तो फाइनली होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर का ऑफिशियल तरीके से टीजर आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे होंडा एक्टिवा जो आने वाली है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, वो आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा। पहला जो कि फिक्स बैटरी के साथ आएगी, जो दूसरा जो स्कूटर होगा वो स्वैपेबल बैटरी यानी कि रिमूवेबल बैटरी के साथ आएगी। यहाँ पे इस टीजर इमेज में आप देख सकते हैं, जहाँ पे एक साइड आपको देखने को मिल जाता है फिक्स ईवी टाइप, और यहाँ पे जो व्हील रियर का दिया गया है यहाँ पे अलॉयस यहाँ पे इस टीजर में देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे हब मोटर का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो स्वैपेबल बैटरी है यहाँ पे देख सकते हैं रियर में अलॉयस दिया गया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मिड ड्राइव मोटर दिया जाए। बाकी जो इसकी बैटरी है, जो स्वैपेबल बैटरी जो होगा वहाँ पे ई लिखा हुआ है, ई प्लेटफॉर्म पे ये स्कूटर आएगी। और ये जो ई प्लेटफॉर्म है वो कंपनी चाइना में और भी दूसरे कंट्री में जहाँ पे इलेक्ट्रिक होंडा कंपनी के स्कूटर आते हैं वहाँ पे ई प्लेटफॉर्म पे ही स्कूटर बेचे जाते हैं, जहाँ पे आपको रेंज जो मिल जाती है, जो चाइना में भी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुई थी, 80 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज देती है बैटरी, जो कि टॉप स्पीड 25 km/h तक उस स्कूटर का है। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में कुछ मॉडल्स बेचे जाते हैं, जैसे कि बेनेली ई, जिसका इंडियन मार्केट में कुछ टाइम पहले टेस्टिंग चल रही थी, तो उसमें भी आपको लगभग 87 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज मिल जाती है। टॉप स्पीड अगर आप 67 का रखते हैं तो ऐसे में आपको थोड़ा सा और कम रेंज मिलता है। तो वैसे इंडियन मार्केट में अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोचता है तो सबसे पहले वो रेंज को देखता है। तो इंडियन मार्केट में होंडा कंपनी जो भी अपने मॉडल लेकर आएगी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, उसमें आपको रेंज बढ़िया देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके जो बैटरी होगी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि होंडा कंपनी इंडिया में अपने बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस को भी एक्सपेंड कर रही है, बढ़ा रही है। तो ऐसे में कुछ सिटीज में उसने स्टार्ट कर दिया अपना काम, बाकी नेक्स्ट फेज में ऑल ओवर इंडिया भर में वो अपने स्वैपिंग बैटरी स्टेशंस को लगाने वाली है, जिससे कि कोई भी स्कूटर होंडा कंपनी का है तो जो रिमूवेबल बैटरी है वो आसानी से कोई स्वैप कर सके। तो फिलहाल अभी एक टीजर इमेज जो कि यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ये कन्फर्म हो गया कि होंडा की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगी वो फिक्स बैटरी और स्वैपेबल बैटरी के साथ आएगी, क्योंकि ओला कंपनी की जो स्कूटर आती है वो फिक्स बैटरी के साथ आती है। एथर, आई क्यूब, ये सारे फिक्स बैटरी के साथ आते हैं क्योंकि इसमें रेंज आपको बढ़िया देखने को मिल जाती है। स्वैपेबल बैटरी होगी तो वहाँ पे आपको रेंज थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी। और इसके अलावा होंडा कंपनी अपनी 10 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स आने वाले समय में लॉन्च करने वाली है, कंपनी का टारगेट है। तो इसीलिए स्टार्ट यहाँ पे स्कूटर से करेगी इंडियन मार्केट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में स्कूटर इंडियन मार्केट में इस समय काफी अच्छे चल रहे हैं। तो 2024 तक आपको पहली होंडा कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। अभी इसकी बस थोड़ी बहुत ही जानकारी आई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप होंडा कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और भी वेट करना होगा, क्योंकि अभी एक दो महीने के अंदर तो लॉन्च नहीं होगी, उसके लिए आपको इस साल के आखिरी तक भी वेट करना पड़ सकता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नया अपडेट होंडा कंपनी की तरफ से आएगी आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।